आपने ही तो बदनाम किया सरकार को। आप 24 तक ठीक रहोगे, 24 के बाद में सब बंद हो जाएंगे। 24 के बाद बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्वेश्चन तो नागपुर से लिख के आते हैं ना, पता है आपको, जानकारी है। और उसे क्लीन चिट दे दे, बलात्कारियों क्लीन चिट दे दे सरकारी। बीजेपी में है क्या वो जी। और बीजेपी वाले तो कहेंगे ही, देखो इसमें टाइम लगेगा, इनको हताश करेंगे ये। यहाँ पे इनको मैट नहीं लगने दे रहे कि इनका प्रैक्टिस नुकसान होगा तो ये छोड़ कर चला जाएंगे यहाँ से। 13 महीने में जाके ली थी सरकार, वो सरकार में वो सारे एक ही भाषा बोल रहे। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे राजनीति करने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे उनको? हमारा पर्चा कैंसिल कर दे वे, हमारा पर्चा कैंसिल कर दे, मैं अगर इलेक्शन लड़ूंगा। को भी कह रहे हैं कि जो यहाँ पे बैठी हुई है ये लोग भी जातिवाद और परिवारवाद कर रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है, एलिगेशन लगाओ इन पे जो कुछ लगते हैं। आप बताओ क्या, आप बताओ। अरे भाई पीछे हो गए, आप बताओ। सर ब्रिजभूषा शरण सिंह कह रहे हैं अब एफआईआर दर्ज हो चुका है, अब इन लोग को घर चले जाना चाहिए, यहाँ पे बैठ के। ये तो पुलिस बताएगी, वो क्या कमिश्नर लग रहा है यहाँ का, वो तो पुलिस बताएगी। कह रहे हैं प्रधानमंत्री अगर बोल देंगे, जेपी नड्डा बोल देंगे, गृह मंत्री बोल देंगे तो हम चले जाएंगे यहाँ से, इस्तीफा भी दे देंगे, लेकिन अपराधी बन के इस्तीफा नहीं दूंगा। और उसे क्लीन चिट दे दे, बलात्कारियों क्लीन चिट दे दे सरकारी। सरकार बलात्कारियों को क्लीन चिट देने का काम करती है सर, और क्या कर रही है। अरे उसकी गिरफ्तारी हो। देश में अगर किसी के खिलाफ पॉक्सो का एफआईआर दर्ज हुई है या किसी महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, तो या तो ये हो कि किसी की गिरफ्तारी नहीं होती, तो फिर उसकी भी ना हो। अगर किसी और की भी गिरफ्तारी होती है, ये कानून में है, तो कानून सबके लिए बराबर है, ये हम कह रहे हैं। पीटी उषा जो है उन्होंने भी लोगों का समर्थन नहीं किया, वो कह रहे हैं अनुशासन ही नहीं, ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो बीजेपी में है क्या वो जी। और बीजेपी वाले तो कहेंगे ही, लेकिन उससे पहले वो ओलंपिक की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, अब तो बीजेपी में है ना। हाँ। तो बीजेपी वाले जैसे कहेंगे ऐसे ही तो कहेंगे। जैसे आप जोन से चैनल में हो, आपको उन्हें लिख कर दे रखे क्वेश्चन, क्या आप ये पूछना, क्योंकि क्वेश्चन तो नागपुर से लिख कर आते हैं ना, पता है आपको, जानकारी है। सर आप आरोप लगा रहे हैं मीडिया पे। ना ना, मैं तो जो मीडिया हाउस है और जो उसका मालिक है, कौन सा चैनल, यूट्यूब चैनल वाले हैं सर। आप तो ठीक हो, आप तो ठीक हो, आप 24 तक ठीक रहोगे, 24 के बाद में सब बंद हो जाएंगे। 24 के बाद बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल और जवाब भी ये दे रहे हैं कि यूट्यूब चैनल सारे बंद होने वाले, क्यों कह रहे हैं ऐसा? हो जाएंगे, कानून आ जाएंगे इस तरह के। आपने ही तो बदनाम किया सरकार को। हमने बदनाम किया है, इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है, आप लोग आज पहुंच गए हो यहाँ पे, सब मिलेगा। क्या उम्मीद है? देखो इसमें टाइम लगेगा, इनको हताश करेंगे ये। इन बच्चों की प्रैक्टिस है, यहाँ पे इनको मैट नहीं लगने दे रहे कि इनका प्रैक्टिस नुकसान होगा तो ये छोड़ कर चला जाएंगे यहाँ से, तो इनकी कमजोरी को तलाश कर रहे हैं। सर आप लोग जैसे समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं यहाँ, तो सुप्रीम कोर्ट की एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवीन के बाद एफआईआर भी हो गई है, उनकी गिरफ्तारी की गिरफ्तारी कब होगी? अब वो तो पुलिस बताएगी। आप क्या सोचते हो कि सरकार का वो लंबा चलेगा मामला? सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप लोग पूरे किसान नेता यहाँ पे आ चुके हैं, सारे विपक्षी दल यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह को कोई हिला नहीं पाया कहीं ना कहीं। हिला नहीं पाए, वे बड़े आदमी हैं, वे सरकार हैं। सरकार तो 13 महीने में नहीं हिली, 13 महीने में जाके हिली थी सरकार। सर आपका फिर भी पूरी मांगे पूरी नहीं हुई, चला तो ये कितना लंबा चल सकता है? ये चलेगा अभी मूवमेंट, ये गांवों में चलेगा पूरे देश भर में। सर जैसे कि ब्रिजभूषण ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी कहे या जेपी नड्डा या अमित शाह कहेंगे तो वो इस्तीफा देंगे, तो क्या सीधे तौर पर सरकार का उसके सिर पे आता है? हाँ सिर बात है। एक आखिरी सवाल, बबीता फुगार जो है कमेटी के मेंबर भी हैं, वो भी कह रही हैं कि इन लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए, और वो कह रही हैं कि कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वो सरकार में है, वो सारे एक ही भाषा बोल रहे हैं, राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं लोग यहाँ। नहीं राजनीति कहाँ आकर रहे, जो यहाँ से पर्चा भरा उसका पर्चा कैंसिल कर दिया,
हाँ उसका पर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से लगातार राकेश टिकैत जो हैं हमलावर हैं बीजेपी पे और सरकार पे, और जो बृजभूषण शरण सिंह हैं उन पे बार बार ये कह रहे हैं कि वो सरकार हैं, जो भी बीजेपी में है वो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इन्होंने ये भी कहा है कि हम तब तक यहीं पे रहेंगे जब तक वो जेल में ना जाए। आप लोगों को क्या लग रहा है पूरी खबर पे?